सब्सक्राइब कीजिए होम शेफ चैनल को मजेदार रेसिपी पाने के लिए। आज हम मजेदार सी रेसिपी बना रहे हैं मटन निहारी। मटन निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो मटन, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज का गिरिस्ता, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर, तेल 100 ग्राम, गेहूं का आटा 50 ग्राम, पानी 5 गिलास, नमक जरूरत के अनुसार, निहारी मसाला 5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नींबू का रस। घर में बनाया हुआ मटन निहारी मसाला हमने होम शेफ चैनल पर अपलोड किया है, उसी ही मसाले से मटन निहारी बना रहे। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं मटन निहारी। सबसे पहले हम बर्तन में 100 ग्राम तेल डालेंगे। तेल गरम करेंगे, उसमें गोश्त डालेंगे, और 10 मिनट गोश्त को भून लेंगे। ये 10 मिनट गोश्त भूनकर हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर से अच्छे से भून लेंगे। इसमें 1 प्याज का गिरिस्ता डालेंगे। सब चीजों को मिक्स करेंगे और गोश्त नरम होने तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। हम दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, गेहूं का आटा डालेंगे, धीमी आंच पर 10 मिनट भून लेंगे। आटा भूनने से हमारी निहारी को अच्छी खुशबू आएंगी। ये आटा भूनकर हम साइड में रखेंगे। ये मटन अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें 5 टेबल स्पून निहारी मसाला डालेंगे। निहारी मसाले का वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे आई हुई लिंक पे क्लिक करें और 1-2 मिनट भून लेंगे। फिर से 5 मिनट ढककर धीमी आंच पर रखेंगे। एक बॉल में भुना हुआ गेहूं का आटा डालेंगे, उसमें 5 गिलास पानी डालेंगे और आटा और पानी अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा इतना मिक्स करेंगे कि उसमें जरा भी लम्स न रहे। आटे का घोल तैयार हो गया। आटे का घोल मटन निहारी में मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। घोल डालने के बाद हम उबाल आने तक थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से निहारी को हिलाएंगे और धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएंगे। जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। एक पैन में 100 ग्राम तेल डालेंगे। तेल को गरम करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 निहारी को तड़का देंगे। ढककर पकाएंगे। ये मजेदार सी मटन निहारी बनकर तैयार हो गई। अब हम लंबाई में कटे हुए अदरक और हरी मिर्ची से गार्निश करके सर्व करेंगे। ये आपको मटन निहारी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना न भूलें।